के स्पॉन्सर हैं सकल दिगंबर जैन समाज बाली हफ्ता बाजार हावड़ा। वहाँ जिंदगी अब आपको दर्शन कराने लेकर आया है हुगली स्थित बाली हफ्ता बाजार के दिगंबर जैन मंदिर का। अब मैं पहुंच चुकी हूं बाली के हफ्ता बाजार दिगंबर जैन नया मंदिर, तो चलिए दर्शन करते हैं और प्राप्त करते कुछ जानकारियां। यहां के समाज की माने तो साल 1933 में यहां पर मंदिर नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। फिर बाद में समाज के प्रयास से जमीन की व्यवस्था कर एक छोटा सा चैत्यालय का निर्माण किया गया, जिसे बाद में मंदिर का स्वरूप प्रदान किया गया। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर 1933 में हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसके निर्माण की थी, आज इस शिखर पे आके पहुंचा है। इनके निर्माण में जो है जमीन हमारे यहाँ के हुबलाल जैन, बाबूलाल जी जैन की जमीन थी। बाली जैन समाज द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। हमने उनको गर्व है अपने बुजुर्गों के ऊपर में कि उन्होंने इसे अपना बना करके, और आज हम लोग भी उस धरोहर को अपना ही बना करके रखे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे अपना बना करके ही रखें, किसी अन्य को ना सौंपें। ये खरुआ समाज को पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को गर्व है। मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं, जो बहुत चमत्कारी है। इस मनोहारी प्रतिमा से जिसने जो मांगा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी भारी मात्रा में श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। मंदिर में महिलाओं का भी काफी रुझान है। यहाँ की महिलाओं द्वारा एक महिला समिति भी संचालित है। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ की महिलाओं ने इस मंदिर में बहुत योगदान दिया है। मंदिर की महिला समिति यहाँ पे चलती आ रही है। हम लोग अनाथ आश्रम में भी जाते हैं, महावीर जयंती में, भादो में, और अन्य प्रोग्राम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं। यहाँ की समाज बहुत एक्टिविट है, यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक है, और यहाँ पर हमारी समाज में बहुत एकता है। ये बंगाल बिहार उड़ीसा का एक खरुआ समाज का जैन मंदिर है। मंदिर में छोटे छोटे बच्चों का रुझान देख और सुनकर हम अचंभित हो गए। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? पार्श्वनाथ भगवान जी। आप रोज मंदिर आते हो? पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या है? चिन्ह सात है। मंदिर में हमने मां पद्मावती की तस्वीर के भी दर्शन किए। इस मंदिर में आज 50 से 60 परिवार जुड़े हैं। इस मंदिर के द्वारा कई सामाजिक कार्य भी संपन्न होते हैं। यहां पर श्री दिगंबर जैन कमेटी के अंतर्गत धर्मशाला भी चलती है, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। इस मंदिर की विशेषताएं अगर बताएं तो हम उसे उंगली में नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ की समाज बहुत ही जागरूक एवं एकता में पिरोई हुई है। कभी भी किसी भी वक्त हमें किसी भी प्रकार की असुविधा होने से समाज के सभी लोग खड़े रहते हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग जिनका हमें बारम्बार आशीर्वाद मिलता रहता है, और हमारे युवा भी काफ़ी जागरूक हैं, जिनके माध्यम से हम तकरीबन 4-5 बरस से लगातार हर वर्ष हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप इत्यादि कुछ ना कुछ कार्य करे रहते हैं, जिससे कि समाज से हम लोग जुड़े रहें। बड़े तो बड़े, युवा पीढ़ी का भी रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। मैं बचपन से इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आती रहती हूँ। मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि मतलब हम लोग यहाँ हर छोटे छोटे बच्चे यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए रोज ही आते हैं। अगर आपने अभी तक बाली के इस हफ्ता बाजार स्थित मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज यहां आकर धर्म लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।